तस्वीर मेरी माता पिता का है। 4 साल हो गया एक कार एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई, तब से नीता की सारी जवाबदारी उस पर आ गया। नीता का बड़ा भाई तो हूँ ही, मगर साथ ही साथ माता पिता का फर्ज मुझे ही अदा करना पड़ता। नीता को पेंटिंग का बेहद शौक है। ये सारे कप शील्ड मेडल नीता का ही है। अच्छा तो अंकल आंटी आप लोग नाश्ता लीजिए, मैं चाय बना कर लाता हूँ। आप बता रहे थे कि आप किसी कुरियर कंपनी में जॉब करते हैं। जी, कुरियर कंपनी में एक कंप्यूटर ऑपरेटर हूँ। अच्छा, तो काम तो अच्छा चल रहा होगा ना। जी। अच्छा। तो मेरी बहन नीता आप लोगों को पसंद तो है ना। हाँ बेटा, लेकिन लेकिन क्या आंटी, अब घर में परिवार वालों से सलाम से रहो लेते हैं, उसके बाद में आपको बताएंगे। अच्छा अच्छा, क्या नमस्कार, मैं हूँ राजेंद्र वंशी। ये कहानी नीता नाम की एक लड़की की है जो मध्यम परिवार से संबंध रखती है। अंकित एक कुरियर कंपनी में ऑपरेटर का काम करता है, जो अपनी माता पिता के साथ में नीता से रिश्ता जोड़ने उसके घर आया है। मैरिज ब्यूरो के डाटा से पूरी जानकारी लेने के बाद अंकित नीता के घर रिश्ता जोड़ने अपने माता पिता के साथ आया। अंकित के परिवार ने वहाँ ऐसा क्या देखा, ऐसा क्या महसूस किया कि उस रिश्ते का जवाब दबा का दबा ही रह गया। क्या मैरिज ब्यूरो के साइट में लिखी गई बातें क्या नीता के परिवार के हिसाब से कहीं मिसमैच हो रही थी? नीता का रिश्ते का जवाब नहीं आना ये कोई पहली दफा नहीं था। नीता के दर्जनों रिश्ते कैंसिल हो चुके। आखिर ऐसी क्या बात थी नीता को नकारने के पीछे, इस बात की जानकारी के लिए आगे देखते रहिए। अभी जय की साउंड कम कर। अबे क्या बोला, अरे कान के अंदर वॉल्यूम कम कर वरना कोशिश कर जाएगा। तेरे मम्मी पापा कहाँ गए? पापा को कुछ काम था, मम्मी को शॉपिंग करना, दोनों साथ चले। अच्छा भाई, बहुत दिनों को ऐसा दारू को हाथ नहीं लगा। आंटी अंकल के मेहरबानी से आज पीने को भी मिल गया। साले बेवड़े, तुझे तो पीने का बहाना चाहिए। यार राहुल, और तुम्हारे आइटम लोगों का क्या हालचाल है? अबे तेरे को नहीं पता क्या, अपना राहुल एक साथ चार चार आइटम को मैनेज करता है। यार एक बात बोलो। बोलो बोलो बोलो, बोलो।
एक बात बोलो। बोलना। अपना राहुल हमारे ग्रुप का ना। हाँ। हमारे ग्रुप का पुरुष सभी योगी है भाई। यार तू बता, इतनी आसानी से लड़की सेटिंग कैसे कर लेता है वे? बाबा रामदेव का चूरन खाता है क्या? चूरन नहीं बेटा, अपना राहुल ना, बाबा रामदेव का काढ़ा पीता है। काढ़ा साले, मेरी तारीफ कर रहे हो या मेरा मजाक बना रहे हो? बेटा तू तारीफ समझ या मजाक, तू एक नंबर का ठरकी। हेलो जी, नहीं आप कौन? ओ नहीं, हेलो हेलो, किसका नंबर है? कौन दे रहा भाई, उस तरह हिला के? पता नहीं यार, किसी जनरल स्टोर वाले को लगा रही थी, लेकिन आवाज तो काटी लाना था। हाँ यार, शहर की सही लड़कियां तो आप पे ही मरती हैं, उस तरह फिरा के यार। हम देखो लाला सेलून में रह के सिर्फ चेहरे ही चमका रहे हैं, आप तो बाबू एकदम हीरो झक्कट गुड हीरो हीरो, उस तरह फिरा के। अरे नहीं भाई, तो चने की झाड़ में मत चढ़ा मेरे। कोई आइटम हमारे जैसे को भी छोड़ दो, उस तरह फिरा के। अबे राहुल साले, सच तो है, शहर की सारी लड़कियां तू ही पटा लेगा तो हम लोग क्या तमुरा बजाएंगे? हीरो भाई, अपने तो बाबूजी का नहीं बचेगा, तेरा फिर आके है। आओ यार, कुछ दिन बाद तो राहुल के चले हर गली मोहल्ले में भी फूटे। क्या किस्मत है यार, उस तरह फिर आके। अबे दाढ़ी बना भेजा मत कर सालो, मेरे करेक्टर उस दिन लोग चाशनी बनाता रहते। भाई आप दिखते अमोल पालेकर जैसे हो, लेकिन आप तो कैरेक्टर भाई इमरान हाशमी जैसा है, उस तरह बना के। अभी दाढ़ी बनाएगा भी? ओके बॉस, उस तरह फिरा के। मेरे ख्वाहिशों की जन्नत तू, मेरी जिंदगी की मन्नत तू, मेरे ख्वाहिशों की जन्नत तू। कुछ कह नहीं सकता, दूर रह नहीं सकता, मेरे दिल की ये मुश्किल जुदा अब हो नहीं सकता। कुछ कह नहीं सकता, दूर रह नहीं सकता, मेरे दिल की ये मुश्किल जुदा।
जुदा अब हो नहीं सकता, है मेरी सच्ची मोहब्बत तू, मेरे ख्वाहिशों की जन्नत तू, मेरी जिंदगी की मन्नत तू, मेरे ख्वाहिशों की जन्नत तू। सच कहूँ तो सब कुछ पास है लेकिन कुछ नहीं तेरे को, ये हवा भी उम्मीदों की खुशबू बिखेरता है, मुझे आज इस पर भी एतबार आया, शीशा भी धुंधला दिखाई देता है, अब मुझे पर तेरा प्यार मुझे नजर आर पार आया। इस भाग में देखा नीता और राहुल की नजदीकियां कुछ हद से ज्यादा ही बढ़ चुकी थी। क्या राहुल के करेक्टर की असलियत क्या नीता जान पाएगी? राहुल नीता को भी बाकी लड़कियों की तरह मिसयूज करेगा? क्या नीता को जिसका इंतजार था वो क्या राहुल ही है? आइए इस बारे में आगे देखते। हो राहुल बाबू, कहीं विदेशवा चला रह गए हैं क्या? बड़े दिन बाद दिखत बानी। किसान का नहीं, विदेश चला जाएगा तो राघाव का क्या होगा? अभी बतियाए हो लाख टके की बात। लाख टके की बात सुनते 5 रुपए की चाय तो पिला दे। चाय की बात रहुआ, आप जो कहीं तो खिला दे। मैं तुझे कितने बार बोली कि मैं तुमसे नहीं मिल सकती। अरे काहे का सॉरी, तुम ना इस इधर भाई के साथ ना लोमड़ी के साथ बैठी रहो। देश को आजाद हुए ना 75 बरस जीत गए, तुम जैसी लड़कियां ना घर से आजाद नहीं हो पाई। नारी शक्ति, नारी शक्ति। बस राहुल, मेरा दूसरे लड़कियों की वजह से मेरा कंडीशन नहीं है। ये मुझे कुछ नहीं सुनना, तुमको मिलना है कि नहीं। ठीक है राहुल, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ, कल मिलेंगे पार्क में। मेरी जिंदगी की मन्नत तू, मेरे ख्वाहिशों की जन्नत तू, मेरी जिंदगी की मन्नत तू। मैं कदम पेड़ के नीचे बैठी हूँ, ब्लैक ड्रेस में हूँ, जल्दी आओ। जन्नत तू, कुछ कह नहीं सकता। आ
हेलो हेलो राहुल, हेलो 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 राहुल, हेलो ऐसी क्या बात थी कि नीता को देखने के बाद राहुल उल्टे पांव क्यों चला गया? इस भाग में आपको जरूर पता चल गया होगा कि नीता के प्रति राहुल का लगाव प्यार नहीं कुछ और था। अगर नीता के प्रति उसके दिल में प्यार होता तो मिलने बुलाने के बाद उसे इस अवस्था में देखकर राहुल वापस नहीं जाता। आखिर राहुल कहाँ चला गया और नीता कब तक इस तरह उसका इंतजार करती रहेगी? राहुल का सेल फोन स्विच ऑफ हो जाना नीता के मन में एक डर सा बना हुआ है। उसके मन में बार बार ये ख्याल आ रहा है कि कहीं राहुल के साथ कोई अनहोनी घटना तो नहीं हो गई। पर असलियत आपको पता है कि राहुल नीता को देखकर वापस क्यों चला गया? क्योंकि नीता एक दिव्या राहुल को इतने ही शिद्दत से चाहती है जितना 3 महीना पहले नीता को इंतजार है अपने उस सपनों के राजकुमार का। और हमें इंतजार है आपके कमेंट का, तो आप लिखकर टाइप कर हमारे 5 फ्रेंड चैनल को भर दीजिए। राहुल के घटिया और छोटी सोच के बारे में उसे समझाइए कि दिव्यांग होना, अपाहिज होना कोई पाप नहीं। उसे समझाइए कि दिव्यांग होना कोई पाप या अभिशाप नहीं है, यह कोई हादसा या प्राकृतिक देन है जो नीता जैसे बहनों का कोई कसूर नहीं है। हमारे समाज में राहुल जैसे सोच वाले व्यक्ति बहुत हैं। तो लगाइए कमेंट बॉक्स में कमेंट के द्वारा उनके गालों पर तमाचा। आप भी राहुल के सेल फोन का ट्रायल करते रहे, लग जाए तो प्लीज नीता से बात करा दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।